दोस्तों पबजी वापस आ सकता है इंडिया में एक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब पबजी की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई आ चुका है इस बैन के ऊपर। तो यार मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बना दूं कल, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा रिसर्च करके आपको फैक्ट्स बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा सीन समझा दूंगा कि हो क्या रहा है, बैन हुआ था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला पबजी से और पबजी ने क्या रिप्लाई दिया, वो सब मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों 2 सितंबर के दिन हमें एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था, खास करके पबजी वालों के लिए, क्योंकि पबजी के साथ 117 और ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये ऐप्स जो हैं वो प्राइवेसी सिक्योरिटी इनको बहुत वायलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंडिया की साइबर स्पेस के लिए डेंजर हैं। तो उसके बाद पबजी का रिप्लाई आया नहीं था, लेकिन कल ही पबजी का इस पर रिप्लाई आया है, तो उसके बारे में आपको पूरा समझा देता हूँ। तो पबजी की आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये आई है, इनकी वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट में है क्या शॉर्ट में। तो सबसे पहले पबजी ने थैंक यू कहा इंडियन यूज़र्स को और जो पबजी के सपोर्टर्स हैं उन्हें, कि इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इतना सपोर्ट कर रहे हैं गेम को लोग। तो पहली बात पबजी ने ये कही। दूसरी बात पबजी ने कहा कि वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया के डिसीजन को कि उन्होंने बैन करा, क्योंकि हर गवर्नमेंट कुछ सोच के करेगी ऐसा, इतना बड़ा डिसीजन लेगी, तो उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी और उन्होंने कहा कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं कि जो भी रेगुलेशन हैं उनको हम पूरा करें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके गेम को वापस लेकर आएँ इंडिया के अंदर, ताकि इंडियन यूज़र्स उसे खेल पाएँ। तो गाइस आगे पबजी ने स्टेटमेंट में ये कहा कि टेंसेंट से वो पूरे राइट्स ले लेंगे पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली इंडिया के अंदर जो हैं, ताकि टेंसेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो इंडियन ऑपरेशंस के अंदर जो पबजी की हो रही हैं इंडिया में। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई टेंसेंट का है पबजी, तो ऐसा नहीं है। तो पबजी जो है वो बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी का है, इसका नाम ब्लू होल है, और टेंसेंट की एक अच्छी खासी ओनरशिप है 10% की पबजी के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का और पब्लिशिंग का काम टेंसेंट ने संभाला है, और मोबाइल वाले वर्जन पे भी अच्छा खासा काम करे टेंसेंट ने। तो इंडियन ऑपरेशन से उनको हटा देंगे क्योंकि वो एक चाइनीज़ कंपनी है। तो ऐसे टेंसेंट इसलिए खतरा है क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है जो चाइना कहने पर डेटा भी दे देगी, तो चाइना में कोई ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है नहीं डेटा को लेकर जैसे बाहर की यूएसई कंट्रीज़ में, और कोई भी डेटा स्कैंडल होता है तो भाई कंपनीज को सू कर दिया जाता है। तो गाइस जैसे पबजी बैन हुआ था टेंसेंट को $34 बिलियन का नुकसान हुआ था, और भाई $1 बिलियन में तुम देख सकते हो कितने सारे करोड़ होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हैं। अब पबजी इंडिया में वापस आने के लिए किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगा, ताकि वो उनको जो पब्लिशिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे सकें और इस गेम को वापस इंडिया में लाएं। तो अब आगे देखते हैं कि कब तक होता है ये। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई कब पबजी वापस आ सकते हैं इंडिया में, उसका मैं आपको एक टाइम पीरियड बता देता हूँ। जैसे 2 सितंबर को ये ऐप बैन हुआ था 117 ऐप्स के साथ, तो पबजी को 3 हफ्ते मिले थे कि वो जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चंस दिए उनको, ताकि उनको पर आंसर दें वो अपना, तो वो ओनरशिप सिक्योरिटी और एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं ऐप के अंदर उससे रिलेटेड थे। तो 3 हफ्ते के अंदर पबजी को रिप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद 1 हफ्ता उसका डिसीजन लेने में लगेगा। होपफुली गाइस ये सितंबर एंड और अक्टूबर के शुरू में आ जाना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने दी हैं और रेगुलेशंस उनको पूरा करके। तो ये एक टाइमलाइन है, अप्रॉक्स से ये प्रो करेक्ट नहीं है, तो ये पबजी के आंसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि गेम वापस आता है या नहीं। गाइस टेंसेंट को हटाने से ही पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि इससे ओनरशिप तो जा नहीं रही टेंसेंट की, क्योंकि वो इंडिया के ऑपरेशन से सिर्फ बाहर जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई टेंसेंट को बिल्कुल ही निकाल दिया ब्लू होल से, उनकी अभी भी 10% ओनरशिप है कंपनी के अंदर। उनको पता है क्योंकि भाई कितना बड़ा फ़ायदा ये कंपनी करती है, $3 बिलियन अभी तक का पबजी का फ़ायदा है। बस जो इंडिया की ऑपरेशन है उसके अंदर टेंसेंट का कोई हिस्सा नहीं होगा, यानी कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो पबजी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वापस लाएगी गेम को। गाइस पबजी के अंदर ओनरशिप का इशू नहीं है, और भी बहुत सारे इशूज़ थे, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऐप्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐप कौन सा डेटा ले रहा है, उसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे जो पबजी को आंसर देना है। तो टेंसेंट को ही निकालने से ही शायद प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। गाइस होपफुली टेंसेंट को इंडियन ऑपरेशन से निकालने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन पबजी को प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इन पूरे इशूज़ के ऊपर काम करना होगा और कन्विंस करना होगा गवर्नमेंट को कि जो यूज़र्स का डेटा है वो सिक्योर है और ये अच्छे से कर सकते हैं वो, अगर इंडिया में ही यूज़र्स का डेटा रखें और कहीं बाहर स्टोर ना करें, तो बहुत अच्छी चांस है कि पबजी वापस आ सकता है इंडिया के अंदर। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने रिसर्च करी, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कोई अपडेट्स होंगी आगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। टिकटॉक की तरह मैं एंडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।